प्रधानमंत्री हुआ करता था सालिम सिंह, सालिम सिंह नाम करके प्रधानमंत्री था। एक जैसलमेर में गांव था कुलधरा, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था, कुलधरा नाम का एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, मुख्य गांव था कुलधरा के आसपास में 84 गांव और हुआ करते थे, बनिए थे खुद कुलधरा ब्राह्मणों का गांव था। एक बार उन ब्राह्मणों की लड़की सालिम सिंह को पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि भाई मैं इससे शादी। ब्राह्मणों ने कहा कि साहब सामाजिक नियम है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती इस प्रकार से, हम ब्राह्मण रह गए, हम आपसे शादी कैसे कर दें। सालिम सिंह ने कहा मैंने पूछा नहीं है, बताया है तुमको, इतने दिन में शादी करो तो ठीक है वरना मैं उठा के ले जाऊंगा। राजा जी के पास गए, राजा जी को जाकर कि राजा जी जो प्रधानमंत्री है उसका नाम सालिम है बाकी आदमी जालिम है। प्रधानमंत्री के इतने ज्यादा काबू के अंदर आए हुए थे कि उन्होंने कहा साहब अब सालिम सिंह जी कह रहे हैं तो ऐसा होना ही थी। ब्राह्मणों ने उन पालीवाल ब्राह्मण, एक्जेक्टली पालीवाल ब्राह्मण थे, साथ 84 गांव खाली कर दिए, 84 गांव छोड़कर चले गए थे ये लोग। बड़ा माइग्रेशन देखेंगे जितना उन पालीवाल ब्राह्मणों का वो माइग्रेशन। आज भी खूब सारे लोकगीत ऐसे हैं जिनमें उस पालीवाल ब्राह्मणों के निष्क्रमण की जानकारियां, उस निष्कासन की जानकारियां हमें मिलती है। बाद में अलग अलग जगह पे गए होंगे लेकिन उनके दिमाग से जैसलमेर कभी नहीं निकल पाया था। उस सूखे मरुस्थल के अंदर उन्होंने कभी खड़ीन बना बना के करने शुरू कर दी थी, व्यापार किया करते थे। कुलधरा आज भी हवेलियों का बहुत बड़ा शहर में तब्दील भले ही होने लग गया हो लेकिन अभी भी उन पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि की कहानियां कहता है।